हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति मेरा नाम है ज्योति और आज के लेक्चर में हम करेंगे ड्रामा ऑफ रेस्टोरेशन एज ठीक है इसमें सबसे पहले हम करेंगे रेस्टोरेशन ट्रेजडी रेस्टोरेशन ड्रामा को टू टाइप्स से डिवाइड किया जा सकता है रेस्टोरेशन ट्रेजडी एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर सबसे पहले हम करेंगे रेस्टोरेशन ट्रेजडी इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं हमने पोलिटिकल बैकग्राउंड कर लिया है उसमें कुछ एक्ट्स आए थे लाइक कॉर्पोरेशन एक्ट कन्वेंटिकल एक्ट या फिर यूनिफॉर्मिटी या पीस ऑफ रिजविक ब्लड ब्लड लेस रिवोल्यूशन ये हमने बोल पोलिटिकल बैकग्राउंड में किया था फिर हमने जॉन ड्राइडन किए हैं टू लेक्चर्स में ठीक है आज हम करेंगे ड्रामा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेशन थिएटर की जो इस टाइम पे थिएटर मतलब 1642 में क्लोज हो गए थे ना तो 1660 में वो दोबारा से रिवाइव किए जा, जाते हैं और उनको रिवाइव कौन करता है मतलब 1660 में दोबारा से रीओपन होते हैं ना हमारे एक मिनट जो रेस्टोरेशन थिएटर हैं 1660 में रीओपन होते हैं ठीक है तो उनको कौन रिवाइव रिव, करता है कौन दोबारा से एग्जिस्टेंस में लेके आता है दो इंपॉर्टेंट फिगर हैं विलियम डेवनेट एंड थॉमस किलिंग थॉमस किलिंग विलियम डेमनेट दे ओपटेन पेटेंट फॉर रीओपनिंग द थिएटिकल थिएट्रिकल कंपनी कुछ थिएट्रिकल कंपनी है उनको स्टार्ट करते हैं उनका नाम है किंग्स प्लेयर या फिर ड्यूक ऑफ योर्क प्लेयर, जो ड्यूक ऑफ यॉर्क कौन होते हैं हमारे जेम्स जेम्स सेकेंड होते हैं ठीक है कौन होते हैं ये जेम्स सेकेंड तो ये दो, दो थिएट्रिकल कंपनी होती हैं जो ये विलियम डेवनेंट और किलिंगरू रिवाइव करते हैं और क्या चेंज आते हैं इसमें क्या चेंज आते हैं मतलब एलिजाबेथन ड्रामा में और रेस्टोरेशन नहीं एलिजाबेथन थिएटर और रेस्टोरेशन थिएटर में क्या डिफरेंस है इसमें बताते हैं क्या चेंज आ रहे हैं इसमें यूज ऑफ सीनरी सीनरी का यूज होने लगा था मूवेबल और इमूवेबल मतलब जो चल सकती हैं और जो नहीं चल सकती है ना स्टेज मशीनरी थिएटर मोर ग्लैमरस देन एलिजाबेथन ज्यादा ग्लैमरस था सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है यहाँ पे अपियरेंस ऑफ एक्ट्रेस ऑन पब्लिक स्टेज मतलब रेस्टोरेशन नहीं एलिजाबेथन एज में क्या होता था जो एक्ट्रेस है मतलब फीमेल की एंट्री नहीं थी स्टेज पर अलाउड वो अलाउ तो थी लेकिन कोर्ट मास्क में ही अलाउड थी कोर्ट से बाहर उनको अलाउ नहीं था मतलब प्राइवेट एंटरटेनमेंट के लिए फीमेल को आ, एज ए थिएटर में मतलब अलो किया जाता था प्राइवेट एंटरटेनमेंट के लिए लेकिन पब्लिक थिएटर में उनको अलो नहीं किया जाता जा अगर नहीं किया जाता जा था तो एलिजाबेथन एज में जो ड्रामा प्ले करते थे जो स्टेज मतलब उनको जो परफॉर्मेंस होती थी तो लेडी का रोल कौन अदा करते थे उस टाइम जो बॉयज़ होते थे ना जो टीन एज एज के बॉयज़ होते थे वो फीमेल का पार्ट प्ले करते थे ठीक है तो लेकिन रेस्टोरेशन एज में क्या होता है डायरेक्ट फीमेल आने लगी थी पब्लिक स्टेज पर ठीक है तो अब बात करती हूं मैं ट्रेजडी जिसकी हमने बात की जो ए, किस टाइप की ट्रेजडी थी रेस्टोरेशन एज में ये हीरोइक हीरोजडी थी इन डेकासिलेबिक कपलेट मतलब डेकासिलेबिक हीरोइक कपलेट मैंने बताया था ना वही है ये डेकासिलेबिक कपलेट बोलो या हीरोइक कपलेट तो हीरोइक ट्रेजिडी रिटन इन डेकासिलेबिक कपलेट डेकासिलेबिक क्या होता है डेका मतलब, का मतलब टेन टेन सिलेबल्स टेन सिलेबल्स का कपलेट कपलेट मीन दो लाइन होती हैं जिसमें टेन सिलेबल्स होते थे ठीक है मतलब एक स्टेंजा का टाइप बताया किस टाइप से वो ट्रेजिडी लिखी जाती थी और ये ब्लैंक वर्स में होती थी मोस्टली मोस्टली ब्लैंक वर्स में होती थी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस इनकी थीम क्या होती थी स्ट्रगल स्ट्रगल बिटवीन लव एंड ऑनर और ओरिजिन कहां से सोर्स कहां थे इसका कॉर्नियल एंड रेसिन ठीक है ये फ्रेंच राइटर है वहां से इंस्पिरेशन थी जो रेस्टोरेशन ट्रेजिडी की ठीक है अभी बात करते हैं हम राइटर्स की जिन्होंने इंपॉर्टेंट ट्रेजडी लिखी है इस टाइम पे विलियम जो जिन्होंने थिएटर को रिवाइव किया था सबसे पहला इनका वर्क है सीज ऑफ रोड्स इट 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 एट रटलैंड हाउस हाफ ओपेरा एंड हाफ हीरोइक हीरोइक प्ले इन राइम्ड वर्स ये राइम में था ब्लैंक ये ब्लैंक वर्स नहीं था ये राइम्ड वर्स था ठीक है तो हाफ ओपेरा ओपेरा क्या होता है जो ड्रामा जिसको गाया जा सके न बी सेट ऑन म्यूजिक ठीक है ओपेरा एक ड्रामा का नाम है जिसको संगीत में संगीत के थ्रू सुनाया जा सके और हाफ हीरो प्ले मतलब हाफ हीरो था तो ये ब्लैंक वर्स नहीं था इंपॉर्टेंट है बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं चीज ऑफ रोड किसका वर्क है विलियम डेमनेट का और दूसरा वर्क है और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली वो इम्पोर्टेंट है दूसरा वर्क है गोंडिबर्ट एक पोइम है ये ठीक है इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स याद रखना ब्लैंक वर्स और दूसरा मतलब ये दो वर्क हैं विलियम डेवनैन के और एक वर्क है चैमरलिन फेरोनिडा चैमरलिन फेरोनिडा ये जो दोनों पोइम होती है ना ये भी ब्लैंक वर्स में होती है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है जो चैमरलिन की पैरोनिडा है और विलियम डेवनैन की गोंडीबर्ट है दोनों ही रिटर्न इन ब्लैंक वर्स ठीक है फिर क्या होता है एक राइटर आते हैं ड्यूक ऑफ बंकिंग हम. ये हमने कल डिस्कस किए थे जॉन ड्राइडन में और जॉन ड्राइडन के किस प्ले में आता है ये करैक्टर है ना वो लिखना है आपको कमेंट में और जो मैं बोलती हूँ मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया करो कमेंट किया करो इससे आपका रिवीजन होता है ठीक है तो ड्यूक ऑफ बंकिंग बंकिंग रिहर्सल नाम से एक प्ले लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं ठीक है जो ये इनका जो वर्क है ये हीरोइक जो ट्रेजिडी लिख रहे हैं ना उसको क्रिटिसाइज किया है रेस्टोरेशन ट्रेजिडी को क्रिटिसाइज किया है ड्यूक ऑफ बंकिंग ने स्पेशली किसको किया है जो हमारे जोन ड्राइडन है ना उनका एक वर्क आता है कंक्यूस्ट ऑफ ग्रेना हमने किया था ना कल कंक्यूस्ट ऑफ ग्रेना उसमें जो हमारे ड्राइडन है हीरोइक प्ले को प्रेज करते हैं उसको डिफेंड करते हैं उसके प्रीफेस में ठीक है लेकिन ये ड्यूक ऑफ बंकिंग क्या करता है अपने रिहर्सल में उसको पैरो, उसको पैरोडी करता है मतलब उसका मजाक बनाता है ठीक है तो मतलब ही ही नहीं सिर्फ का तीन राइटर है पे, ध्यान से इस का ये दो वर्क है चैमरलिन का पैरोडा है और डूको बंकी मंग का रिहर्सल ठीक है थीके? याद रखना इनको अब बात करती हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर Uh, ट्रेजडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो वर्क इंपॉर्टेंट है अनहैपी मैरिजन और अनहैपी मैरिज मतलब इन इट्स ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड कंग्रेचुलेट हिम रिटर्न फ्रॉम स्कॉटलैंड जो ये ड्यूक ऑफ को इसके प्रिपेस में जो इसका ऑर्फन का जो प्रिफेस होता है ड्यूक ऑफ यॉर्क को प्रेज कर रहे हैं उनको उनकी जो हैप्पी रिटर्न है स्कॉटलैंड से आया उनको वेलकम करते हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क कौन है यहाँ पे जेम्स सेकंड ठीक है जेम्स सेकंड कौन थे चार्ल्स सेकंड के ब्रदर थे जिनको वो राजा बनाना चाहता था ठीक है अब इसकी बात करते हैं हम स्टोरी क्या है स्टोरी इज इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्फन में क्या होता है एक फादर होता है दो उसके बेटे हैं और एक बेटी है ठीक है जो फादर होता है वो था एकेस्टो जो पहला करेक्टर है एकेस्टो फादर होता है और जो ये दो है कैस्टिलियो एंड पोलिडोर दो इसके बेटे हैं जो ट्विन्स हैं और मोनिमिया ठीक है मोनिमिया कौन है जो एक ऑर्फन है जिसके माता पिता नहीं है और वो एकेस्टो Acast, के घर में रह रही होती है ठीक है ये इसका गार्जियन है ये सेरेना इसकी बेटी है ठीक है इसका कोई रोल नहीं है कुछ खास नहीं बस वैसे ही एज ए करेक्टर मैंने डाल दिया तो क्या होता है ये एकेस्टो जैसे ही स्टार्ट होता है प्ले उसमें अपने दोनों बेटों को बोल रहा है मतलब दुनिया तब ओपन ऐसे होता है कि सारी दुनिया या जो जहाँ पे ये रह रहे हैं वो, वो तो सभी लड़ाई झगड़े में व्यस्त हैं लेकिन ये एकेस्टो है उसने सब कुछ अपनी जॉब वगैरह छोड़ के गांव में सेटल हो गया है और अपने दोनों बेटों को बोल रहा है ना तो तुम्हें किसी फाइट में एंगेज होना है ना किसी लड़की के साथ ठीक है इस टाइप से समझा रहा है लेकिन क्या होता है ये दोनों बेटे जो मोनिमिया है उसके साथ लव उसके उसे प्यार करते हैं ठीक है और क्या होता है ये दोनों ट्विंस हैं तो ये जो कैस्टेलियो है ये अपना हक जताता है इस पर क्योंकि मैं बड़ा हूं एज ए ट्विंस मैं बड़ा हूँ तो मेरा ज्यादा हक हाँ है मोनीमिया पर और ये इसको मतलब मना भी लेता है कैस्टेलियो इसको बोलता है भाई मैं इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट है यहाँ पे मैं uh, तुम्हारे चैम्बर में आऊँगा और थ्री सॉफ्ट स्ट्रोक ऑन योर डोर मैं मतलब मैं तुम्हारे डोर पर uh, नोक करूंगा तीन बार और तुम्हें दरवाजा खोलना और मैं अंदर आ जाऊंगा लेकिन क्या होता है जो पोलिडोर है जो इसका छोटा भाई है वो इस कन्वर्सेशन को सुन लेता है और कैस्टिलियो से पहले उसके रूम में ये आ जाता है और मोनिमिया जो बात इसकी जो थ्री सॉफ स्ट्रोक सुनकर दरवाजा खोल देती है और पोलिडोर अंदर चला जाता है लेकिन जब कैस्टिलियो आता है वही सेम वही काम करता है थ्री सॉफ स्ट्रोक ऑन द चैंबर थ्री सॉफ स्ट्रोक ऑन द चैंबर डोर डोर पर खटखटाता है लेकिन अब वो सोचते हैं ये कैलिडोर होगा पोलिडोर होगा एक मिनट शायद कंफ्यूजन हो गया हाँ फिर वो बोलते हैं पोलिडोर तो अंदर जा चुका था रूम में फिर कैस्टिलियो आता है दोबारा से नो मतलब वो आता है पोलिडोर तो अंदर जा चुका है रूम में कैस्टिलियो करता है अपने प्लान के अकॉर्डिंग थ्री सो लेकिन वो सोचते हैं ये ए, कस, पोलिडोर होगा है ना पोलिडोर ही तो समझे पोलिडोर ही तो समझ रहे हैं ना पोलिडोर तो एज ए कैस्टिलियो एंटर कर चुका है तो ये मोनिमिया सोचती है वो पोलिडोर होगा लेकिन सुबह जब रियलिटी का पता चलता है ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ तो ये ट्रेजडी हो जाती है सभी मतलब एंड में क्या होता है सभी मर जाते हैं ठीक है जो ये एक दूसरे को ये मार देते हैं ठीक है और मोनिमिया जहर खाके मर जाती है ठीक है ऐसे स्टोरी है बस आपको क्या करना है इसका सब याद रखना है करेक्टर्स के नेम याद रखने हैं क्या स्टोरी चल रही है थ्री सॉफ स्टोक ऑन द चैंबर डोर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना है ठीक है मस्ट रीड है पढ़ लेना और पब्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट है ये क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं इज इज अनदर वर्क वर्क अपलोड डिस्कवर्ड दोनों work का पब्लिश इन सिक्सटीन एटी टू इसके करेक्टर है जैफिर बेलडीवेरा परली एंड जैफि फ्रेंड पायरे ये करेक्टर है इसमें क्या होता है ए प्लोट डिस्कवर्ड मतलब कौन सा प्लोट ये एक गन पाउडर प्लॉट की बात कर रहे हैं किस प्लॉट की बात कर रहे हैं गन पाउडर इन 1605 में ठीक है ये गन पाउडर है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ठीक है इसमें क्या हो रहा है जो जयपिर है बेली बेलीडेवियर ये बेल बेलविडेरा से सीक्रेटली मैरिज कर लेता है और ये किसकी बेटी होती है एक सीनेटर है पेरोली ठीक है उनसे उनकी बेटी से सीक्रेटली शादी कर, ले, कर लेता है जयफियर फिर ये जो पिरोली होता है वो इनको डिस, डिस इनहेरिट कर देता है मतलब बोल देता है मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बेदखल करना बेदखल कर देता है मतलब अपनी जायदाद से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा फिर क्या करता है जैफियर अपने फ्रेंड के साथ एक वो बनाता है प्लॉट बनाता है मतलब इसको इनके खिलाफ एक प्लॉट बनाता है कंस्पिरेसी करता है ठीक है और उस प्लॉट का बाद में पता चल जाता है और इस जो जिस प्लॉट को वो बनाते हैं जिसका पता चलता जाता है उसके बारे में ही बात है लेकिन इनडायरेक्टली ये किसके बारे में है ये उस चीज के बारे में है जब चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड के खिलाफ जो गन पाउडर प्लॉट क्रिएट किया जाता है और जो बाद में डिस्कवर हो जाता है मतलब उनको मारने के लिए बनाया जाता है गन पाउडर प्लॉट तो उस पर बेस्ड है ये स्टोरी सारी ठीक है याद रखना इसको इसे करेक्टर याद रख लेना और इसका सब और पब्लिकेशन और किसका वर्क है ये ठीक है एंड देन कम्स हां एक और बात है ये दोनों ट्रेजडी ब्लैंक वर्स में है याद रखना दोनों ट्रेजडी ब्लैंक वर्स में पूछी जाती है मस्ट 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 रीड एक मिनट हाँ बस यही स्टोरी थी इसकी अब बात करते हैं विलियम कॉन्ग्रीव इनका एक वर्क है द मॉर्निंग ब्राइड ये भी एक ट्रेजडी है इट इज ऑल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स ठीक है ये तीनों ब्लैंक वर्ड्स में है लेकिन इसको ना मॉर्निंग ब्राइड को मैं डीपली जब ये विलियम कांग्रीव की जो कॉमेडी को, करवाऊंगी ना वहां पे डिस्कस करूंगी अच्छे से यहाँ पे सिर्फ याद रखना विलियम कोंग्रीव की सिर्फ एक ट्रेजडी है सभी सा, जो कुछ भी बचा हुआ सभी कॉमेडी है तो मॉर्निंग ब्राइड क्या है एक ट्रेजिडी है इसमें एक कोटेशन आती है वो कोटेशन लिख लेना अगर लिखना चाहो तो मैं उसको कोट कर रही हूँ म्यूजिक हैथ चार्स टू सूत Savage jam. heaven has no rays like love to hatred turned. ठीक है ये है तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब विलियम कॉन्ग्रेव करेंगे अब बात करते हैं निकोलस रो, अनदर राइटर ऑफ ट्रेजडी निकोलस रो क्या होते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है उनके बारे में वो पोइट लोरिएट होते हैं वो 1750 में पोइट लोरिएट बनते हैं अब मैंने आपको ये फोर्थ पोइलोरिएट बता दिए आपका काम क्या है कमेंट में लिखो जो पहले तीन है मैंने जोन ड्राइडन के लेक्चर में ही बोले थे वो तीनों ठीक है और जो फोर्थ आते हैं हमारे निकोलस रोव ठीक है ये आपका होमवर्क भी लगा लो और जो अगर आपको याद है अगली नहीं याद है तो गूगल पे जाओ उनका टाइम पीरियड नोट करो कब बने थे वो ठीक है फिर बात करते हैं हम निकोलस रोव के बारे में अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है ही वॉज फर्स्ट एडिटर ऑफ वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है ही रूट सी ट्रेजिडी सी मतलब गर्ल्स वुमेन वुमेन ओरिएंटेड ट्रेजडी ठीक है उसकी ट्रेजडी वुमेन पर बेस्ड होती है तो इसके तीन वर्क इंपॉर्टेंट है ट्रेजडी ऑफ जें ट्रेजिडी ऑफ लेडी ट्रेजिडी ऑफ लेडी जैन ग्रे फेयर पेनीटेंट ठीक है टाइटल इंपॉर्टेंट है ज्यादा डीपली मत जाना बस ये जो इसके बारे में बातें हैं वो याद रख लेना द फेयर पेनीटेंट में है एक इसका प्रोटेगनिस्ट होता है जो एक विकेड हीरो होता है हार्टलेस रेक रे, रे, उसका नाम है लथेरियो ठीक है ये याद रखना ऐसे इसी करेक्टर पूछा जा सकता है नो नीड टू गो डीपली तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें थैंक यू थैंक यू फॉर टुडे